गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज अपन पढ़ेंगे फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल साइंस का राजनीति सिद्धांत अर्थ और उपयोगिता। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, राज्य से संबंधित व्यवस्थित ज्ञान हमें सर्वप्रथम प्राचीन यूनान में मिलता है और राजनीति जो शब्द हैं अंग्रेजी शब्द हैं पॉलिटिक्स और पॉलिस जो शब्द हैं वो ग्रीक भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। पॉलिस जो है एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है नगर राज्य। ग्रीक विद्वानों ने राजनीति शब्द का प्रयोग राज्य से संबंधित कला के रूप में किया है। जो ग्रीक विद्वान हैं उन्होंने राजनीति शब्द का जो प्रयोग किया है वो कला से संबंधित रूप में किया है, कला के रूप में किया है। अब देखो नेक्स्ट है, राजनीति सिद्धांत का अर्थ क्या है। राजनीति का अर्थ है सार्वजनिक हित का विषय। सिद्धांत का अर्थ है सभ्य मानव जाति की प्रगति का उपकरण। और जो थ्योरी शब्द हैं वो ग्रीक भाषा के थ्योरिया से लिया गया है जिसका अर्थ है समझने की दृष्टि। थ्योरी शब्द हैं थ्योरिया से लिया गया है समझने की दृष्टि। और यहाँ पे कार्ल जे पॉपर का एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट देखने को मिलता है हमें। कार्ल जे पॉपर कहते हैं कि सिद्धांत एक प्रकार का जाल है जिसमें जगत को पकड़ा जा सकता है ताकि उसको समझा जा सके। सिद्धांत एक अनुभवपरक व्यवस्था के प्रारूप की अपने मन की आँख पर बनाई गई एक रचना है। तो ये जो कार्ल जे पॉपर कहते हैं, तो ये आपको याद रखना है, कार्ल जे पॉपर की स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है इजोक। इजोक जो है वे कहते हैं कि राजनीति सिद्धांत सामान्यीकरण का समुच्चय होता है। राजनीति सिद्धांत जो है वो किसका समुच्चय होता है, सामान्यीकरण का समुच्चय होता है। नेक्स्ट अपन देखेंगे देखो इधर आ जाओ आप। संकल्पनाएं और अवधारणाएं, अधिकार कॉन्सेप्ट राइट हैं। और दूसरा है ये कॉन्सेप्ट राइट, अधिकार का अर्थ है परिभाषा। तो अधिकार का अर्थ क्या है, अधिकार का अर्थ है लॉस्की कहते हैं कि अधिकार के बिना व्यक्ति अपने उत्तम का विकास नहीं कर सकता। लॉस्की कहते हैं कि अधिकार के बिना व्यक्ति अपने उत्तम का विकास नहीं कर सकता। और हॉबहाउ कहते हैं कि अधिकार वह है जो हम अपने प्रति व दूसरे हमारे प्रति करें वो अधिकार है। विले कहता है कि अधिकार स्वतंत्रता के लिए वह उचित दावा है जो कुछ कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। हॉलैंड महोदय क्या कहते हैं, अन्य व्यक्तियों के कार्य को अपनी शक्ति से नहीं बल्कि समाज के बल पर प्रभावित करने की क्षमता को ही अधिकार कहते हैं। और बोसान के क्या कहते हैं, बोसान के कहते हैं कि भाई अधिकार वह है जिसे समाज मान्यता देता है और राज्य लागू करता है। सालमन कहते हैं कि सत्य के नियम पर रक्षित हित का नाम ही क्या है, अधिकार है। और टी एच ग्रीन कहते हैं कि व्यक्ति व व्यक्तियों के समुदाय द्वारा जो प्रयोग होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अधिकार कहते हैं।